नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। छोटी छोटी बूटी का बेहद खूबसूरत डिज़ाइन, आप इसे जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालें, बच्चों के स्वेटर में डालें, गर्ल्स टॉप में डालें, स्कर्ट में डालें, चाहे बॉयज़ हाफ स्वेटर में डालें, फुल स्वेटर में डालें, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 14 फंदे डाल लिए हैं। 3 3 3 3 और 2 फंदा एज स्टिच के लिए, टोटल 14 फंदे डाल लिए हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। डिज़ाइन सामने की तरफ से डलेगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और नेक्स्ट फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, यानी यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। एक फंदा उल्टा, अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा। हमारा 3-3 फंदों का ये पैटर्न, लास्ट में एक फंदा बचेगा तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमने अपना पहला लाइन कंप्लीट कर लिया, अब रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। हर रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे, डिजाइन सिर्फ सामने की तरफ से डलेगा। तो रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे, अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, अब नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। देखिए, पिछली लाइन में हमने स्लिप किया था तो फंदा ऊन हमारा हमारी तरफ था, अब की ऊन दूसरी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। अब देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। तो अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, लेकिन उसके पहले उनको हमें दूसरी तरफ कर लेना है। स्लिप किया, उन वापस अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे को दोहराएंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा स्लिप करना है, उसके पहले उन दूसरी तरफ कर लेना है, स्लिप किया, उन अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा। नेक्स्ट फिर से रिपीट पैटर्न, अगला फंदा उल्टा, दूसरा स्लिप करना है, उसके पहले उन दूसरी तरफ, फिर स्लिप किया, वापस अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से हर लाइन उल्टा ही बुना जाएगा, हमें डिज़ाइन सिर्फ सामने की तरफ से है। तो रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे। अब देखिए, ये डिज़ाइन का 5वा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरे, देखिए हमने पहली लाइन में इस फंदे को स्लिप किया था और धागे को अपनी तरफ ही रखा था, तो हम 5वीं लाइन में इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई ले जाएंगे,
धागे को उठाएंगे और इस फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें दोहराना है। तो फिर से हमारा तीन फंदों का पैटर्न चालू हो जाएगा। तो पहला फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो फंदे उल्टे हो जा रहे हैं, एक तीसरा फंदा और दूसरे जैन का ये पहला फंदा। दो फंदा इकट्ठा हो गया हमारे पास, दो उल्टे फंदे। अब इसे हमें उन दूसरी ओर इसे हमें सीधा बुनना है, लेकिन उसके पहले नीचे से धागे को उठाना है और फंदे को साथ लेना है। दोनों को साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेना है। उन अपनी ओर तीसरा फंदा उल्टा। फिर तीन फंदों का पैटर्न, पहला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दूसरा फंदा सीधा बुनना है। उसके पहले हमें नीचे से धागे को उठाना है, फंदे को साथ में रखना है और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेना है। उन अपनी ओर तीसरा फंदा उल्टा। फिर तीन फंदों का पैटर्न, पहला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर दूसरा फंदा सीधा बुनना है, लेकिन उसके पहले नीचे से धागे को उठाना है, फंदे को साथ में लेना है और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेना है। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो छह लाइन का हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ से फिर हमारा पहला लाइन शुरू होगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को स्लिप करना है लेकिन ऊन को हमें अपनी तरफ ही रखना है, नेक्स्ट फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा स्लिप करना है, ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे और तीसरा फंदा उल्टा। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा स्लिप करना है, ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा, तीसरा फंदा उल्टा। उल्टा स्लिप करना है, उल्टा लास्ट फंदा सीधा। इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तीसरा लाइन, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू होगा। पहला फंदा उल्टा, दूसरे फंदे को स्लिप करना है, ऊन को दूसरी तरफ करके और तब हम इसे स्लिप करेंगे। यानी तीसरा फंदा जो तीसरी लाइन हमारा पहली लाइन की ही तरह है, फर्क इतना है कि स्लिप करने से पहले हम ऊन को दूसरी तरफ करेंगे। पहली लाइन में हमने स्लिप किया लेकिन ऊन हम अपनी तरफ ही रखे रहे, और तीसरी लाइन में हम स्लिप करने से पहले ऊन को दूसरी तरफ कर लेंगे। स्लिप किया, ऊन अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा। फिर तीन फंदों का पैटर्न, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा स्लिप करना है लेकिन ऊन को दूसरी तरफ करके तब स्लिप करना है, फिर ऊन अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा। उल्टा स्लिप करना है, ऊन दूसरी तरफ रहेगा, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा उल्टा। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है, और सामने से पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप किया, ऊन अपनी ओर। यहाँ से अब हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। एक फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, दूसरे फंदे को सीधा बुनना है लेकिन उसके पहले हमें नीचे से धागे को उठाना है, जिसे हमने स्लिप किया था और धागा अपनी तरफ रखा था। तो इस धागे को उठाना है, फंदे को साथ में लेना है, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा, उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उल्टा, उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा बुनना है लेकिन नीचे से धागे को उठा के और दोनों फंदों को साथ में लेके तब सीधा बुनना है। उल्टा, उल्टा, नीचे से धागे को उठाया, फंदे को साथ में लिया, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से सीधा उल्टा। फिर यहाँ से तीन फंदों का रिपीट पैटर्न, पहला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, दूसरे फंदे को सीधा बुनना है, उसके पहले धागे को लेना है,
फंदे को लेना है और बैक लूप से सीधा। तीसरा फंदा उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन फंदे का और छह लाइन का ये खूबसूरत सा पैटर्न बनके तैयार होगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। छोटी छोटी बूटी का बेहद खूबसूरत डिजाइन, बनाना आसान और देखिए कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।